हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ महिलाओं के पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। पैरों में स्वेलिंग आने के क्या क्या रीज़न होते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि पैरों में स्वेलिंग आती है तो इससे होने वाले बच्चे का जेंडर पता किया जा सकता है या फिर नहीं। तो आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं और गर्भवती महिलाओं की काफ़ी क्वायरी भी होती है। काफ़ी गर्भवती महिलाओं के पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, टांगों में दर्द की दिक्कत होती है, टांगों में क्रैम्प्स की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ऐंठन की दिक्कत होती है। तो ये सब प्रेगनेंसी में क्यों होता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसे आपने अगर आजमाया तो आपकी काफ़ी मदद होगी और दर्द से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा ताकि आपकी इस वीडियो के द्वारा मदद हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट भी कर सकती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि आखिर प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आती क्यों है। क्या सूजन से पता कर सकते हैं कि होने वाला बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगी? तो दोस्तों, जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम आगे आगे बढ़ता है, वैसे आपका वेट भी गेन होता है, मतलब आपका वजन भी बढ़ता है। खास करके प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि सातवां, आठवां और नौवां महीना जब प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है तो आपका वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि सातवें महीने से बच्चे की जो ग्रोथ होती है, बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जब आपका वजन बढ़ता है तो सारा प्रेशर आपके पैरों पर पड़ता है, टांगों पर पड़ता है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये वजन बढ़ने के कारण भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वहीं दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, अगर आप कंटिन्यू एक ही स्थान पर ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हैं या पैरों को ज़्यादा देर तक लटकाए रहती हैं तो भी दोस्तों आपके पैरों में सूजन आ सकती है। वहीं दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करती है ना, तो भी दोस्तों पैरों में सूजन आ सकती है। तो ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन भी आपको नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब टांगों में ऐंठन कभी कभी कैल्शियम की कमी से भी होती है, तो दूध का सेवन आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। दूध आपको एक दो ग्लास डेली पीना है ताकि दोस्तों आपको टांगों में ऐंठन से राहत मिल सके। अगर टांगों में ऐंठन बहुत ज़्यादा है तो आप कैल्शियम की टैबलेट भी ले सकती हैं। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइम टू टाइम आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाते रहें। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, खुद डॉक्टर बिल्कुल ना बने, बिना डॉक्टर की परमिशन से किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। आइए आपको और कुछ भी बताते हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आपके पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है, तो आपको लड़का होगा, नहीं हो ऐसा हो रहा है तो लड़की होगी। भाई, इन बातों का कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, तो मैं भी ये दावा बिल्कुल नहीं करती कि अगर आपको ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो लड़का होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है।